माय चैनल नहीं बोलूँगी, आर चैनल बोलूँगी कि इसका भी क्रेडिट बहुत है। तो आज हम लोग जाने वाले हैं एक ऑफिस में, जो बोलते हैं जहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह बनता है। हमारी भतीजी, इसकी बेटी, उसका बर्थ सर्टिफिकेट हमने अप्लाई किया था कुछ एक हफ्ते पहले, एक हफ्ते क्या 10 दिन पहले किया था। तो अब हम उसे कलेक्ट करने जा रहे हैं। तो आगे का कैसे 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 होता है, क्या प्रोसेस है, क्या नहीं है, वो आपको भाई भी एक्सप्लेन करेंगे। तो ओवर टू यू भाई, क्या बोलना चाहते हैं आप? प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो डैडी लोग के जनरेशन थे, उनको सब पता था कि गवर्नमेंट ऑफिस में कैसे जाना होता है, कहाँ धक्के खाने होते हैं, किस काउंटर पे जाना होता है, क्या बोलना होता है, क्या करना होता है। हमारी जनरेशन ऑनलाइन वाली जनरेशन है, हम मोबाइल से कंप्यूटर से सब कुछ करना जानते हैं, सब जानते हैं, पूरी दुनिया से जुड़ना जानते हैं, पर गवर्नमेंट ऑफिस में क्या करना है हमको आज तक नहीं पता। तो चलिए देखते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में करना क्या होता है और कौन से लाइन में लगना होता है और भीड़ मिलती है नहीं मिलती है। इसके पहले रजिस्ट्रेशन करने में एक बार गया हूँ, उस टाइम पे बहुत भीड़ थी। आज कलेक्ट करना है, देखते हैं आज भी कुछ होता है यहाँ वहाँ क्या, फिर डायरेक्ट मिल जाता है। चलिए पता चलेगा आपको, चलते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी चलिए। ऑनवर्ड्स। मुंबई की ट्रैफिक एनालिसिस के ट्रैफिक को भी फेल ही कर देती है, क्योंकि यहाँ मेट्रो का काम बन रहा है, मेट्रो के काम की वजह से पूरा रोड को हाफ कर दिया है, तो गाड़ियों को जाने में बहुत। तो ये है बीएमसी का ऑफिस खार वेस्ट में, जो कि पहले बैंड्रा वेस्ट में हुआ करता था। ये एच वेस्ट वार्ड का ऑफिस है और यहाँ पे सांता क्रूज, खार और बैंड्रा वेस्ट के केसेस हैंडल होते हैं। और यहीं हम आए हैं अपने बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए। हम यहाँ पे आए हैं खार में म्यूनिसिपल ऑफिस में, एच वार्ड में सर्टिफिकेट कलेक्ट करने। तो मैं और भैया आए हैं। तो भाई, आगे की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिए। तो हम लोग आपको दिखाएंगे कि अंदर का कैसा है, जितना भी हमसे शूट हो सकता है, और बताएंगे कि कैसा सर्टिफिकेट बना सकते हो, कहाँ से आपको फॉर्म मिल सकता है, और कैसे उसको फिल करके देना है, और कौन से ऑफिस में जाना है। सो मेन गेट से एंटर करने के बाद हमने कॉरिडोर में पता किया और फिर बिल्डिंग के साइड से हम लोग चलते हुए बिल्डिंग के पीछे पहुँचे। बिल्डिंग के पीछे वहाँ पे एक सिटीजन फैसिलिटी सेंटर है, उसी सेंटर के अंदर आपको डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट के फॉर्म्स मिल जाएंगे। अकॉर्डिंगली आपको जो बनाना है, आप उस फॉर्म को लीजिए, उसको फिल कीजिए, और फिल करने के बाद उस फॉर्म को काउंटर नंबर 2 या काउंटर नंबर 3, जो भी आपको अवेलेबल मिले वहाँ पे आप दे सकते हैं। और एक प्रिंटआउट आपको मिलेगा जो काउंटर नंबर 7 पे मिलेगा रजिस्ट्रेशन का, उस प्रिंटआउट को आपको लेकर बिल्डिंग के आगे वाले साइड में जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वहाँ पे सबमिट करना होगा। अपना बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लिया है। रजिस्ट्रेशन से लेके सर्टिफिकेट मिलने तक टोटल 7 डेज का टाइम लगता है। तो हम लोग ने रजिस्ट्रेशन पहले कर दिया था। तो रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि नाम नहीं चढ़ता है, पेरेंट्स का नाम, एड्रेस, सब, डेट ऑफ बर्थ सब चढ़ जाता है, पर जो बेबी का नाम है वो नहीं चढ़ता है। तो बेबी का नाम चढ़ने के लिए लोग 7 डेज लेते हैं। तो हम लोग ने रजिस्ट्रेशन जब किया था तो, और ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, 6 रुपया लगता है एक सर्टिफिकेट का। तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद को हम लोग ने दे दिया था, और आज 7 डेज बाद हम लोग आए थे इसको सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के लिए। तो हमको सर्टिफिकेट मिल गया है, बेबी का नाम फाइनली चढ़ चुका है, और उस सर्टिफिकेट को कलेक्ट करने के लिए भी एक कॉपी का 6 रुपीज़ लगता है। तो ऐसे हमको सर्टिफिकेट हमारा बेबी का मिल गया। अभी ये म्यूनसिपल ऑफिस का लोकेशन बहुत ही ईजी है, ये खार वेस्ट में है, हसनाबाद लेन पे, जो कि खार स्टेशन से बहुत नज़दीक है। और ये हम अभी चर्च एवेन्यू रोड पे चल रहे हैं, यहाँ पे साइड में सेक्रेट हार्ट बॉयज स्कूल है, उसका चर्च है, और ये SV रोड को हमको कनेक्ट करेगा। तो अभी हम आ गए हैं SV रोड पे, सामने साउथ एवेन्यू रोड है और ये खार का एरिया, यहाँ पे मेट्रो ट्रेन का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और बिल्डिंग रिकवरी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ, अब आपको हम घर पे ही मिलेंगे। फाइनली हम अपने घर पहुंच चुके हैं अपने बेबी का सर्टिफिकेट लेके।
भाई के हाथ में उसका सर्टिफिकेट है, एक बार भाई सर्टिफिकेट दिखा दो। हमने इसकी 2 कॉपीज ली है, एक एज अ ऑप्शन कि एक सेफली हम रख देंगे अगर एक रहेगा तो, अगर कहीं यूज़ करना रहेगा तो हम एक यूज़ करेंगे और एक अपने घर पे रखे रहेंगे। आप लोग के इन्फॉर्मेशन के लिए वहाँ पे आप जब जाओगे तो आप कुछ सर्टिफिकेट रखें, जो फॉर्म रखे हैं एक्चुअली फिल करने के लिए, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। वो कुछ फॉर्म फिल करना होगा आपको पेन से, कुछ इस प्रकार से उसको भरना होगा। इस प्रकार से भरने के बाद फिर आपको वो लोग उसका रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको कुछ ये फॉर्म मिलेगा। इसमें क्या होगा, पूरा का पूरा डिटेल दिया होगा, पर इसमें नाम नहीं होगा। नाम एक हफ्ते बाद नाम के लिए आपको एक अलग ऑफिस में जाके वहाँ पे रजिस्टर करना, उसी बिल्डिंग में रजिस्टर करना होगा। वहाँ पे एक बड़ा सा फोल्डर देते हैं वो फाइल, जिसमें आपको अपना बेबी का जो अपने नाम रखा है वो नाम लिखना होगा और बाकी के अपने जो डिटेल्स है, फादर का नाम, मदर का नाम, वो सब भरना होगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो एक बात है, अब जब आप सर्टिफिकेट कलेक्ट करने जाते हैं तो मदर या फादर लगेंगे, और कोई जाके सर्टिफिकेट कलेक्ट नहीं कर सकता है। हाँ, एक पेरेंट चाहिए, एक पेरेंट कंपलसरी है, क्योंकि वो जब आपको नाम भरना होता है तो वहाँ पे आपका आधार कार्ड चेक होता है, तो आधार कार्ड के हिसाब से जो पेरेंट होगा वो होना चाहिए वहाँ पे। तो पेरेंट, एक पेरेंट लगेगा, दोनों की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक से भी काम हो जाएगा। और जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो 1 वीक के बाद आपको वापस वही जैसा पुराना सर्टिफिकेट था वैसा ही बनेगा, पर इस बार इस पर जो बेबी का नाम था जो आपने रजिस्टर करा है वो चढ़ा हुआ होगा। ये आपका फाइनल बर्थ सर्टिफिकेट होगा। तो मिल गया हमारी बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट। हाँ, फाइनली एक अचीवमेंट पा लिया सर्टिफिकेट, क्योंकि सरकारी ऑफिसर्स का आपको पता ही है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हेडेक है, पर अभी महीने भर घुमाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा था, शॉर्ट अच्छा हो गया अच्छे से। तो ठीक है, चलिए फिर यहीं पे वीडियो की समाप्ति करती हूँ मैं। मिलते हैं फिर एक और नए नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा कंटेंट लेके। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को यार कंजूसी कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हो आप लोग, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा नोटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय।